बीच मेरे मैं जगदीश गुज्जर सहगड़ी अभी मेरे ऊपर एक केस हुआ है, वो झूठा केस है। मेरी पत्नी है, उससे मैंने 5 महीने पहले कोर्ट मैरिज करी हुई थी। उसके बाद हम कोर्ट मैरिज करने के बाद खरगोन गए, मैं खरगोन ही काम करता था, वहाँ पे रहे। भी दशा पूजने पर हम घर आए, उसके बाद लॉकडाउन लगने के कारण हम गए नहीं। इतने दिन यहाँ पे थे, वो 8-10 दिन उसके मामा घर रह के आई, फिर आई, फिर 10-12 दिन रही, फिर कुछ छोटी मोटी बात की वजह से नाराज़ थी। 2 दिन बाद उसके रिश्तेदार हैं घोलवाड़ा के, रमेश निवासी, रमेश जी घोलवाड़ा, वो आए और उसने मुझे बोला 2-3 दिन उसकी दादी यहीं है, मैं ले जा रहा हूँ उसको समझा के, फिर वापस भेजूँगा। और ऐसे ही दिन बीतते गए, मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, दूसरों से कांटेक्ट किया, भेज देंगे भेज देंगे। और एक दिन अचानक मेरे पास फ़ोन आया एक, तो इसने मुझे फ़ोन किया, मुझे यहाँ से लेके जाओ, मुझे लेने आओ। बार बार 2-4 बार फोन आए, फिर उन्होंने मेरे को बोला लेने आओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर कोई तो मैंने उससे पूछा कहाँ हो तुम, तो फिर उसने बताया कि मुझे यहाँ पे दे दिया है मेरे परिवार वालों ने, इसलिए तुम यहाँ से मुझे लेने आओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ मेरे साथ। तो फिर उनने लड़के ने मुझसे बात की, तो उन्होंने पूछा मुझसे तू कौन है, उसने काली ग्लोज करी, मैंने उसको बोला मैं इसका पति हूँ। ये सब बात होने के बाद मैंने उस लड़की की आत्मरक्षा के लिए केस किया। उसमें उसके परिवार वालों को पता चला, उस लड़की को लाके उन्होंने मेरे खिलाफ़ उल्टे बयान दिलाकर मेरे और मेरे परिवार के ऊपर झूठा केस कर दिया। जिन लोगों के नाम लिए हैं उस केस में, उन लोगों के इस चीज़ से कोई ताल्लुकात नहीं। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ यह सब किया है, रमेश जी गुजर कोलवाड़ा, धुरलाल जी गुजर, राम जी गुजर बाजभिया, किशन जी की दलई, किशन जी खेड़ी, ऐसे इन 8-10 लोगों का ग्रुप है, मैंने एक FIR पुलिस वालों को दे रखी। ये सब झूठा केस है, उन्होंने पैसे खाने के लिए ये सब झूठा केस बनवाया। इस लड़की ने वहाँ से मुझे फ़ोन कर दिया तो उनकी पोल खुल गई, इसलिए उन सब लोगों ने उस लड़की को अपने वश में करके उसको अच्छा प्रेम से जो भी है, चाहे जैसे भी, उन्होंने उस लड़की को उनके फेवर में करके मुझे फंसाया है। मेरे मामा जी, मेरे पापा, मम्मी पापा, उनका इस चीज़ से कोई लेने देना नहीं था। उन लोगों को पता है कि पैसा यहीं से आने वाला है, इसलिए उन लोगों ने मेरे परिवार वालों को फंसाया है, मुझे भी फंसाया है। मेरे पास इतने सब सबूत होने के बाद में भी उस लड़की ने मुझे कॉल किया, उसकी रिकॉर्डिंग है, हमारी जो भी है सब चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है। उसके बाद में भी ये सब चीज़ अभी काम नहीं दे रही है, सब कोर्ट में काम देगी। मेरे परिवार की बदनामी होने से मेरे पास एक ही रास्ता है, मेरे परिवार भी बदनामी हो गए तो मैं अपने परिवार वालों के सामने, मेरी वजह से इनकी बदनामी हुई है, मैं अपने परिवार वालों के सामने उन निगम मिला नहीं सकता, इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं अब सुसाइड कर रहा हूँ, मरना चाहता हूँ। सरकार से एक ही गुजारिश करता हूँ कि या तो आप कोर्ट मैरिज बंद कर दीजिए, अगर कोर्ट मैरिज होती है तो ऐसा मत कीजिए, लड़की के भी बयान सुनिए पहले, फिर लड़के के भी सुनिए, उनके एविडेंस देखिए, उनके पास क्या चीज़ सबूत है या नहीं है, उसके बाद कार्रवाई करें।
आज मैं मर रहा हूँ, अरे पीछे और बहुत लोग ऐसे भाई, कई भाई लोग हैं जो इन चीज़ों से परेशान होकर मर रहे हैं। मेरे परिवार का इसमें कोई दोष नहीं है।